हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ इंडियन रियल लाइफ रियल होम और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पितृपक्ष रेसिपी, राइस वड़ा की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। बनाने वाले हैं श्राद्ध के वड़े, यानी कि पितृपक्ष में जो वड़े बनाए जाते हैं चावल के, वो बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे एक कटोरी, यहाँ पे मैंने चावल लिया है एक आधी कटोरी, मैंने यहाँ पे उड़द की दाल ली है, ये उड़द की दाल है आधी कटोरी, और दो टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी, एक चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर। तीखा आप आपके पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे घर में छोटे से पहले ये जो चावल है, ये चावल और ये दाल, इसे मिक्सी में से बिल्कुल फाइन बारीक पाउडर बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मिक्सी में से अच्छे से पीस लिया है। तो ये डेढ़ कटोरी हमारा चावल और उड़द के दाल का आटा हुआ है। अब हम इसे गूंथ लेंगे। तो गूंथने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, किस तरह से गूंथते हैं, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हम एक बड़ी सी थाली लेंगे, उसमें ये आटा डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और नमक डाल देंगे। इसे अच्छे से एक सा कर लेंगे, इसे अच्छे से एक सा कर लेना है आटे के साथ। धनिया, रेड चिली पाउडर, हल्दी, नमक अच्छे से एक सा करने के बाद हम इसमें ये गरम किया हुआ ऑयल है, हमने जो तेल लिया था वो गरम किया है मैंने, थोड़ा सा गरम कर लेना है और वो इसमें हम डाल देंगे। और इसे भी हम अच्छे से एक सा कर लेंगे। अच्छे से हमें आटे पर ऑयल को कोट कर लेना है इस तरह से, और उसके बाद हम ये आटा अच्छे से गूंथ लेंगे। हमें यहाँ पे ये आटा जो है सख्त गूंथना है, और इसे हम गूंथने के बाद क्विक ही पूरी बनाने के लिए, यानी कि वड़ा बनाने के लिए लेंगे। ये रेस्ट करने के लिए नहीं रखना है, इसी तरह से हमें आटा गूंथना है और इसकी बड़े बनाने के लिए लेना है। ये देखिए इस तरह से परफेक्ट। अब हम ये आटा गूंथ लेंगे इस तरह से, इसका ये लड्डू बनना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे आटे का लड्डू बन रहा है, हम अब आटा गूंथ लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आटा गूंथ लिया है। अब हम एक साइड पे तेल गरम करने के लिए रख देंगे। फुल फ्लेम पे हमें ऑयल को अच्छे से गरम कर लेना है। उसके बाद हम इसकी फ्लेम जो है वो कम कर देंगे, और कम फ्लेम पे हमें ये पूरिया, ये वड़े जो है वो अच्छे से डीप फ्राई कर लेने हैं। अब हम वड़े किस तरह से बनाते हैं वो देखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बटर पेपर लिया है। आप इसकी जगह पे, आपके पास अगर कोई कैरी है तो वो भी कट करके ले सकते हैं। तो मैं इस तरह से बटर पेपर पे ये जो वड़े है वो बनाने वाली हूँ। तो बटर पेपर पे हम ये वड़े बना लेंगे। तो इसके लिए हमें आटे की छोटी सी लोई लेनी है, उसे अच्छे से गोल गोल कर लेना है इस तरह से, और फिर बस इस तरह से हमें ये फैलाना है। ज्यादा पतली भी नहीं बनानी है और ज्यादा मोटी भी नहीं रखनी है। इस तरह से हमें ये चावल के बड़े बना लेने हैं, और ये एक एक करके ही बनाना है, और बनाते ही हमें ये डीप फ्राई कर लेना है। आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर पे कीजिए, या फिर किसी भी कोई भी कैरी बैग जो होती है वो कट करके उसे भी आप ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा पहला राइस वड़ा बन के रेडी हो गया है। इधर हमारा तेल भी गर्म हो गया है, अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे, और अब हमारे ये राइस वड़ा जो है ये बनकर रेडी हो गए हैं।
जी फ्रेंड्स, हमारे ये बड़े बनके रेडी हो गए हैं। हम इसे ये जो कोकम की चटनी होती है इसके साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छे लगते हैं। ये चटनी किस तरह से बनाते हैं इसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की है, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए अब हमारे ये वड़े बनकर रेडी हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह से नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।